हेलो जय हिंद बच्चों। आज मैं आप लोग एक गाना सिखाने जा रहा हूँ, जो गाना आप अपनी माँ के सामने गा के अपनी माँ को इम्प्रेस कर सकते हो। ठीक है, तो वो गाना है ओ माँ ओ माँ। तो बच्चों, सबसे पहले मैं चाहूँगा आप लोग ये गाना यहाँ पे स्क्रीन में लगाया गया है, आप लोग ये गाना पहले सुनिए, उसके बाद में हम लोग गाना का प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, आप लोगों ने गाना सुन लिया, तो मैं आशा करता हूँ आप लोग ये गाना अच्छा लगा होगा। तो चलिए प्रैक्टिस शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले लाइन क्या था? ओ माँ तुझको प्रणाम, मातृ दिवस पर ढेर सारा प्यार, तुझ में ही माँ मिले हमें भगवान, तुझसे ही माँ हमें मिलता दुलार, ऐसा था ना? तो चलिए मैं चाहूंगा पहले आप लोग ये जो वर्डिंग्स है मेरे साथ में वर्डिंग्स बोले। ठीक है, ओ माँ तुझको प्रणाम, मातृ दिवस पर ढेर सारा प्यार, तुझ में ही माँ मिले हमें भगवान, तुझसे ही माँ हमें मिलता दुलार। ओके, अभी मेरे बाद में आप लोग रिपीट कीजिए। ठीक है, पहले मैं गाऊंगा, उसके बाद में आप लोग गाइए। चलिए शुरू करते हैं। ओ माँ तुझको प्रणाम, मातृ दिवस पर ढेर सारा प्यार, तुझ में ही माँ मिले हमें भगवान, तुझसे ही माँ हमें मिलता दुलार। ओके, अभी यहाँ तक आप लोग बार बार करके रिपीट कीजिए। ठीक है, बार बार रिपीट कीजिए यहाँ तक, और उसके बाद में है ना कुछ मांगते हो, बोलिए मेरे बाद में, ना कुछ मांगते हो ना कोई चाह, बुद्ध जैसे रहती हो ओ मेरी माँ, पड़ती हो माथे पर मेरे हर शिकन, किसी डॉक्टर से कम नहीं हो तुम। ओके, अभी फिर से मेरे बाद में गाइए। ना कुछ मांगती हो ना कोई चाह, बुद्ध जैसे रहती हो ओ मेरी माँ, पड़ती हो माथे पर मेरे हर शिकन, किसी डॉक्टर से कम नहीं हो तुम। ओके, वेरी गुड। अभी इसके बाद में जो है, जो फर्स्ट का जैसा जो ट्यून था, सेम ट्यून में गाना है। ठीक है, तुझ में ही दिखते हैं ओ मेरी माँ, बोली तुझ में ही दिखते हैं ओ मेरी माँ,
दुनिया भर के सारे भगवान, हम भी तुम्हें चाहेंगे उतना ही माँ, जितना तुम चाहती हो हमको माँ। ओके, अब इसको कैसे गाना है? सेम ट्यून जो पहले शुरू में गया था, ठीक है? चलिए मेरे बाद में गाइए। तुझ में दिखते हैं ओ मेरी माँ, दुनिया भर की सारे भगवान, हम भी तुम्हें चाहेंगे उतना ही माँ, जितना तुम चाहती हो हमको माँ। वेरी गुड। अब यहाँ तक आप लोग क्या कीजिए, जो शुरू से हम लोग प्रैक्टिस किया था और शुरू से लेकर यहाँ तक आप लोग बार बार प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है? और उसके बाद में जो अभी जो गाना सुना आपने, वो गाना के साथ में गाने का प्रयास कीजिए, ठीक है? गाने का प्रैक्टिस कीजिए। तो ऑल द बेस्ट। आप लोग ये गाना के लिए अपने पापा से मदद ले सकते हैं, ठीक है? अपना पापा का मदद लेके फिर आप अपने माँ के सामने जाके गा सकते हैं और अपनी माँ को इम्प्रेस बना सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक। बाय।